आप लोगों को लेके और आप मुझे भी बुला, मुझे भी अंदर ले जाओगे, मामला शांत करके बाहर भेज दोगे। आप अभी भी तो ये करना चाह रहे हो, किसी को भी नहीं कर रहे। तो अमृत को बाहर तो बुलाओ, उसने क्या किया? हम तो बंद किसी को भी नहीं, हम तो रिपोर्ट देने वाले हैं। नबील, मैं एक बात कर रहा हूँ और एक ही कहता हूँ और सोखरी कहता हूँ, इस बात को तुम नेड़ों में जानते हो। हाँ बोलिए। अमृत तुम्हें मिल जाएगा, बाकी आदमियों को भेज दो। अभी तो अभी मिलना चाहिए, अभी मिलेगा, बिल्कुल अभी मिलेगा। सीए साहब से मिलने पे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि पुलिस प्रशासन किसी के कहने पे ही चलता है। पता चल गया इन 50 आदमियों से आज लाइट फिशिंग के बीच पता पता बंद और अगर हमारी गलती हो तो हमें फांसी दे दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस धक्का मारा ही नहीं, मारा धक्का मारा ही नहीं, मारा सीआई साहब ने धक्का मारा ही नहीं, मारा बस। अब या तो ये झूठे हैं, मैं झूठा हूँ, आप ही सही हो। मेरे को कोई राम रोड जाम नहीं करना, आप अमृत को भेज दो, आप अमृत को बाहर भेज दो, मुझे कोई रोड जाम नहीं करना, आप अमृत को बाहर भेज दो, 5 आदमी अरेस्ट कर लो, खत्म में कर भेज जाऊंगा। अरे उनको अरेस्ट करेंगे तो रात हो रही है, रात में मैं बताऊं, रात को आदमी आदमी अपराध करने के बाद घर पर रुका है। अमृत ने अपराध किया क्या? आदमी अमृत ने अपराध किया क्या? अमृत को हम दे रहे हैं ना आपको, अमृत पत्रकार साहब, एक निर्दोष आदमी को अंदर लिया इन्होंने अभी तक। अमृत को दे रहे हैं ना आप लोगों को, तो आप दोनों में खड़ा है, मैं चला जाऊंगा घर पे, बुलाओ इन बाकी आदमियों। मैं नबील अंसारी वार्ड पार्षद नैनवा से रिपोर्ट लिखाने आया था, मुझे दिन में फोन आया कि 20,000 रुपए दे दो वरना नबील के टांगे तोड़ेंगे। मैं अभी इतने तक आदमी हूँ, मैंने उस चीज पे गौर नहीं किया, मैंने कहा नैनवाई बातें चलती रहती है। शाम को मेरे प्लाट पे वार्ड नंबर जो की नेमिनाथ के कटले में हम लोग बैठे हुए थे, लोग पत्थर आना शुरू हुए, हमने बाहर निकल के देखा, हमने बाहर निकल के देखा तो 5-6 लोग जिसमें कालू गुजर, रिजवान और राकेश पोसवाल और उसके माकुल मुकुल साहू और उसके साथ 4-5 लड़के थे, और वो कह रहे हैं कि हम अबीद भाई के आदमी हैं और अभी तो पत्थर आए, अब तो लाठी आएगी, गंडा से आएंगे और जान से मार देंगे, मेरे दरवाजे में लात घुसे दिए मैंने और उसके बाद में मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं रिकॉर्डिंग के साथ आया हूँ कि आबिद नैनवा का था ना, तो आबिद नेता चलाता है, एक अगर रिपोर्ट भी जाएगी सबसे पहले आबिद को फोन आएगा, वो ये कह रहा है। तो और मेरे सीआई साहब ने, जब हमने सीआई साहब से मिलने की कोशिश की तो सीआई साहब ने कहा नहीं लेंगे, कहते रिपोर्ट बाहर निकलो, कहते कौन होते हो, और अभी दारू पी रखा है सीआई साहब ने, जांच कराए हमें बाहर निकला है, सीआई साहब कह रहे नहीं होगी कोई रिपोर्ट, अगर मैं रात में मर जाता हूँ कुछ हो जाता है इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, और मैं 50 आदमियों के साथ अगर रिपोर्ट देने आया हूँ, पार्षद हूँ, 50 आदमियों के साथ मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, पार्षद हूँ, तब मेरे से सीआई साहब बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे धक्के देकर बाहर निकल रहे, अकेला आदमी आया उसे तो मार देंगे, गरीब आदमी आता है उसको तो मार देते ही। आज ये तो मेरे दोस्तों की या मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे साथ टीम है, इसने बच गया, उन्हें पूरी रात मेरा रिमांड लेते, मेरे को मारते या सुबह मरा छोड़ देते, और अभी मैं आपको कह रहा हूँ, अभी मेरे खरोच आती है या मुझे कुछ भी होता है, जान माल का नुकसान होता है, मेरे दोस्तों को जान माल का नुकसान होता है, उसके लिए पूरा थाना प्रशासन, लखनलाल जी मीणा, सीआई साहब नैनवा और आबिद नेता नैनवा का, उसके 4-5 गुर्गे जिनका मैंने नाम लिया, जो मुझे मारने आए थे, वो जिम्मेदार होंगे।